नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एस अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन न्यास द्रोणाचार्य। स्वागत करते हैं क्वांट स्लॉट वन कैट 2022 के इस एपिसोड में, जिसमें हम पढ़ने वाले रेशियोज, पुरुष स्त्री के रेशियो। सर, इसमें खास क्या सीखेंगे आज? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ठीक है, ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इजी है, यानी कि ठीक है। कोई भी कर सकता। तो इसमें मैथ्स स्किल चाहिए आपको? हाँ, मैथ में दैट ओनली थिंग इज हाउ यू कैन सेव अराउंड 15 to 20 सेकेंड, दैट इज इम्पोर्टेंट। पर हर सेकंड मैटर करता है, तो आप इससे पहले कि इधर जाएं और इसको फटाफट देखना शुरू करें, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाके इस क्वेश्चन को पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं सॉल्यूशन, लेकिन इससे पहले क्या करना है? ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। ओके, सो क्वेश्चन ये रहा, इन अ विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल इज 5:4। तो सर, एम डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू 5:4। लिख देते सर, मैं तो बोलता हूँ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल इज 2:3। तो इसको लिख देते एम एल डिवाइडेड बाय एफ एल इज इक्वल टू 2:3। ऑलराइट, ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स इज 4:3। तो एम आई डिवाइडेड बाय एफ आई इज इक्वल टू 4:3। अब एक बड़ा मस्त डेटा दिया है, इफ 3600 मेल्स इन विलेज आर लिटरेट। ओहो, एम एल का तो वैल्यू दिया हुआ, तो एफ एल भी निकल जाएगा सर, ठीक है। क्यों? तो ये वाले में एम एल अगर मैं 3600 लगा देता हूँ, एम एल 3600, तो एफ एल आ जाएगा 400, राइट? राइट, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, 2 × 1800 3600, तो 3 × 1800 इज 54। यस सर, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे भी करो, ठीक है, लिटरेट फीमेल इज 5400 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एम एल एफ एल मिल गया दोस्त। अच्छा, एम आई क्या होगा? इलिटरेट तो वही होंगे, अगर मैं पूरे मेल में से लिटरेट को घटा दूं तो इलिटरेट निकल जाएंगे, Am I right? बिल्कुल सही है। तो क्या मैं एम आई को ऐसे लिख सकता हूँ कि एम माइनस 3600 डिवाइडेड बाय एफ माइनस 5400 इज इक्वल टू 4/3। दैट्स इट। बट ये इतना सारा लिखना क्यों चाहते हैं? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड राइटिंग सो मेनी थिंग्स। तो क्या सिंपल से मतलब तुम एम माइनस लिखोगे, ये लिखोगे, तो उसमें क्या रहा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। सो ट्राई टू अवॉइड, लेस राइटिंग होना चाहिए। कुछ तरीका बताइए सर, गुरु ज्ञान दीजिए सर यहाँ पे। तो रुको जरा, तो इसको मैं कहूंगा, ये रेशियोस तो तुमने लिख दिया था, तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे एम एल 3600 था, हाँ सर, फीमेल लिटरेट फीमेल क्या आ गया 5400 इजीली आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये मेल टू फीमेल क्या है 5/4, जी सर, आई कैन सिंपली से दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5x and 4x, हां बोल सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ ना, मेल टोटल 5x है, उसमें से कितने लिटरेट मेल थे, 3600, तो ये हो गया 3600। ऑलराइट, ऑन फीमेल कितनी है 4x, उसमें से 5400, यस सर, अभी इलिटरेट की रेशो आ गई, बिल्कुल, तो दैट इज 4/3। सो द की हियर इज ओनली टू अवॉइड राइटिंग सो मेनी नोमेनक्लेचर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो 16x माइनस 15x इज हाउ मच, x। ऑलराइट, सो दिस इज इक्वल टू x, और 216 माइनस 108 दैट इज इक्वल टू 10800। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फीमेल की संख्या पूछी है सर, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, तो 4x से मतलब उसका 4 गुना कर दे, 4x, इट इज इक्वल टू व्हाट, 108 × 4, यस सर, तो 4 3 2 0 0, सो दैट इज योर आंसर। व्हाट, सो इट्स अ प्रीटी इजी वन, बट द ओनली थिंग इज अवॉइड राइटिंग सो मेनी इक्वेशन। हाँ सर, ये अच्छा है, ये 5x 4x वाले से थोड़ा सा और, मतलब मैं तो भी m, मैं f के टर्म में m लिखता, फिर 5/4 करके, कुछ तो मैं खिचड़ी बनाने का चक्कर में था इसमें, है ना। Are you comedy me? तो होप ये छोटी 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 जो टिप्स है ना, कि कैसे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये प्लीज फॉलो करो, क्योंकि नॉर्मली आप इक्वेशन बनाओगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और फिर आप एक मिनट तो एक्स्ट्रा जाएगा सर, क्यों? कैसा लगा ये आपको छोटा सा सॉल्यूशन, घोड़ागिरी था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा था नहीं चीजें, पर छोटी मोटी टिप्स जो सर बताते रहते हैं उसको ध्यान में रखो, और आधे एक मिनट बचाते रहना है। तो अगर आप अभी तक टिके हुए देखे हुए, तो आपको क्या करना है, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, घंटी बजा दो सब्सक्राइब के बाद में, और सर अगर डाउट हो तो क्या करना चाहिए, कमेंट्स में जाके सारे डाउट्स डाल। जी बिल्कुल, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और सर आसान है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो भाई लोग, जय हिंद। नाक मुकन्ना, 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 नाक मुकन्ना।